फोटो चलाओ जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन है सोर्सिंग से रिलेटेड? तो रिसेंट हमने सोर्सिंग का जो है मॉड्यूल फिनिश किया मैम, काइंडली आप क्लास की तरफ आ जाएं जरा। रिसेंटली हमने सोर्सिंग का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट किया है, तो किसी का उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम फिर आज लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर बात करें सर जी। चले, अब लिस्टिंग क्रिएशन हमारे पास क्या चीज है कि कोई भी जो आपकी प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको विजुअलाइज प्रेजेंट करने के लिए आपको डिटेल पेज अमेजोन ने दिया गया, जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग पेज। ठीक है, अमेजोन प्रोडक्ट डिटेल पेज, उसको पीडीपी भी इन शॉर्ट कहा जाता है, पीडीपी प्रोडक्ट डिटेल पेज, उसको लिस्टिंग्स भी कहते हैं। तो उसके डिफरेंट जो है ना वो नेम्स हैं। तो लिस्टिंग में हमारे पास क्या क्या चीजें इंक्लूड है जी? इमेजेस इंक्लूड है लिस्टिंग में, हमारे पास टाइटल इंक्लूड है लिस्टिंग में, बुलेट्स इंक्लूड है लिस्टिंग में, हमारे पास प्राइसिंग आ जाती है, रिव्यूज आ जाते हैं, ईबीसी या ए प्लस कंटेंट आ जाता है। सही है, तो लिस्टिंग क्रिएशन में हम बारी बारी इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जो आपके पास होगी तो आप लिस्टिंग क्रिएट करने की तरफ जा सकते हैं? कोई बता सकते हैं? नहीं सर, प्रोडक्ट तो हंटिंग और सोर्सिंग से, हंटिंग सोर्सिंग से गुजरेंगे तो लिस्टिंग में आएंगे ना आप जी। नहीं सर, कीवर्ड, आपको कीवर्ड चाहिए। अब कीवर्ड की साइंस क्या है? अमेज़न के एल्गोरिथम को A9 या A10 एल्गोरिथम कहा जाता है। पिछले साल तक A9 था, इस साल अपडेट हो गया तो कोई A10 कहता है, कोई अभी भी कहता है कि अमेज़न का A9 एल्गोरिथम इस तरह वर्क करता है, इस तरह वर्क करता है। अब अमेज़न का A9 एल्गोरिथम सर्च के लिए कैसे परफॉर्म करता है? सही है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि सर्च के लिए वो इस तरह परफॉर्म करेगा, या सर्च के लिए वो इस तरह वर्क करेगा, जितने आपके पास कीवर्ड होंगे। जब भी कोई सर्च बार पे कीवर्ड लिखेगा, अमेज़न सबसे पहले देखेगा कि ये कीवर्ड किसके रेलिवेंट है, ये कीवर्ड किस कैटेगरी के रेलिवेंट है, किस प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। रेलिवेंसी प्रूव हो गई A9 एल्गोरिथम की। देन वो देखेगा कि अब ये कीवर्ड किस किस लिस्टिंग में मौजूद है, किस किस लिस्टिंग में ये कीवर्ड प्रेजेंट है। जिस जिस लिस्टिंग में वो कीवर्ड प्रेजेंट होगा और उस कीवर्ड पे वो लिस्टिंग ने रैंक किया होगा, तो वो लिस्टिंग उठ के सामने आ जाएगी सर्च रिजल्ट्स के अंदर। क्लियर है जी? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिस्टिंग के लिए क्या है जी? कीवर्ड रिसर्च है। सही है, क्यों? क्योंकि जब कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे, वो कीवर्ड्स को हम अपने टाइटल में यूज करेंगे, हम अपने बुलेट्स में यूज करेंगे, हम ईबीसी कंटेंट में या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, इवन के यहां तक कहा जाता है कि अमेज़न के ऊपर जो आपने इमेज अपलोड करनी है उसका नेम भी अपना कोई कीवर्ड उठा के रख लो तो वो कीवर्ड भी इंडेक्स हो जाता है। सही है, क्लियर है जी बात? जो आपने कीवर्ड ढूंढे है ना, बुलेट्स में भी यूज कर लिए, टाइटल में भी यूज कर लिए, डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर लिए, फिर भी कुछ कीवर्ड बचे, तो जो इमेज अपलोड करनी है ना हमने, उस इमेज को अपलोड करने से पहले नाम होगा, उस इमेज का नाम कोई कीवर्ड रख दे, वो कीवर्ड भी इंडेक्स हो जाएगा। सर अब इंडेक्सिंग में और रैंकिंग में थोड़ा फर्क है।
जब तक कोई कीवर्ड इंडेक्स नहीं होगा तब तक वो रैंक नहीं हो सकता। क्लियर है जी बात? जब तक कोई कीवर्ड इंडेक्स नहीं होगा तब तक वो रैंक नहीं हो सकता। इंडेक्स का मतलब आप ये समझ लें कि जब तक वो अमेज़न के एल्गोरिदम में नहीं एंटर होगा तब तक उसके ऊपर रैंकिंग पे आप जितना मर्जी एफर्ट कर लें, उस कीवर्ड के थ्रू जितनी मर्जी सेल्स जनरेट कर लें, वो कीवर्ड रैंक नहीं होगा। इंडेक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी कीवर्ड की। और कीवर्ड इंडेक्सिंग का तरीका क्या है कि अपने अच्छे हाई रेलिवेंट कीवर्ड जो है वो आप यूज करें अपनी लिस्टिंग के अंदर, टाइटल लिखते हुए, बुलेट्स लिखते हुए, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अब कीवर्ड की अगर बात करें तो हमारे पास कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड भी हो सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो सकते हैं, इररेलेवेंट भी हो सकते हैं, रेलेवेंट भी हो सकते हैं, सुपर रेलेवेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होंगे? शॉर्ट टेल कीवर्ड जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स थोड़े होंगे वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, जिसमें नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा होंगे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। मसलन गार्लिक प्रेस, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस। गार्लिक प्रेस शॉर्ट टेल कीवर्ड है, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। सही है जी? तो शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड, आप कीवर्ड्स को इस तरह भी सेग्रीगेट करेंगे कि ये मेरे शॉर्ट टेल है, ये लॉन्ग टेल है। क्यों? क्योंकि देखिए कीवर्ड को हाईली ऑप्टिमाइज वे में यूज करना है। आप आज की बात हम परफॉर्म नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम ये बातें पहले आप लोगों के जब दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर जब परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। क्या ख्याल है? तो कीवर्ड हाईली ऑप्टिमाइज वे में यूज करने हैं, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। दोनों में डिफरेंस है सर। कीवर्ड स्टफिंग इज समथिंग एल्स और कीवर्ड को ऑप्टिमाइज वे में यूज करना इज समथिंग एल्स। कैसे? देखिए Amazon कहता है कि आपने कीवर्ड यूज करने, मेरी तरफ से 200 करेक्टर्स लिखने की लिमिट है टाइटल की। सही है? वो कहता है 200 के 200 करेक्टर कीवर्ड हो, नहीं फर्क पड़ता मुझे, लेकिन वो जो टाइटल है वो एक सेंसिबल सेंटेंस भी बनता हो कीवर्ड के साथ साथ, सेंसिबल सेंटेंस भी बनता हो कि लोग टाइटल पढ़े तो उन्हें कुछ समझ आए कि ये टाइटल में क्या डिस्क्राइब कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को। ये कीवर्ड स्टफिंग ना हो कि उसने गार्लिक प्रेस, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, ब्लैक गार्लिक प्रेस, वाइट गार्लिक प्रेस, ये जो कीवर्ड है ये कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। अगर वो इनको एक सेंसिबल वे में लिखेगा उस टाइटल को और कीवर्ड भी सारे ऑप्टिमाइज वे में यूज करेगा तो वो ज्यादा अच्छा है। वो कैसे हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस 10 इंच गार्लिक प्रेस। अब क्या हो गया कि लोगों को पता चला ये स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस का बता रहा है कि ये 10 इंच का है, एक सेंसिबल फॉर्म भी बन जाएगी ना। तो कीवर्ड स्टफिंग क्या है कि आपने बस कीवर्ड फेंक दिए टाइटल में और उस टाइटल की कोई सेंस नहीं बन रही। उसको अगर कोई एज ए सेंटेंस पढ़े तो उसको समझ नहीं आएगा कि टाइटल का मतलब क्या बन रहा है। तो टाइटल इसी तरह सेम थिंग आपने बुलेट्स के लिए भी कंसिडर करनी है और सेम आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी करनी है कि उसके जितने भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं कीवर्ड यूज करने हैं, ऑब्वियसली यूज करने, लेकिन एक सेंसिबल वे में यूज करने। क्लियर है जी? अब हाईली ऑप्टिमाइज वे क्या हो सकता है कीवर्ड यूज करने का? वो ये हो सकता है कि एक ही कीवर्ड कोई ऐसा आपको मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, कि आप कुछ ऐसे कीवर्ड टारगेट करें अपने टाइटल बुलेट्स में कि वो एक ही कीवर्ड में 3-3 कीवर्ड टारगेट हो रहे हो। समझ आई जी बात मेरी? कि एक कीवर्ड में 3-3, 4-4 कीवर्ड टारगेट हो रहे हो, इस तरह से टाइटल में कीवर्ड यूज करने। छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आप क्लियर हो जाएगा सबके जिनको भी कंफ्यूजन है। वो छोटी सी मिसाल ये है जी कि आपका कीवर्ड है गार्लिक प्रेस, शॉर्ट टेल कीवर्ड। सर हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड 2-3 कीवर्ड टारगेट कर रहा होगा। स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, इसमें गार्लिक प्रेस भी आ गया और स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस भी आ गया, 2 कीवर्ड टारगेट हो गए। ये एक ऑप्टिमाइज वे की एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप किस तरह टाइटल लिख सकते हैं। अब जब एक बंदे ने लिखा होगा जी स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, इतने इंच का गार्लिक प्रेस या इसका कोई और नेम, तो आप देखें कि जो इसने पहला कीवर्ड यूज किया वो रिसर्च ने बताया कि एक कीवर्ड है, लेकिन हमारे माइंड ने बताया कि इसमें 2 ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम के लिए 2 टारगेट हो गए।
गार्लिक प्रेस भी लिखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस भी लिखा है, एक ही कीवर्ड में दो टारगेट हो, ये ऑप्टिमाइजेशन की एक छोटी सी एग्जांपल है। क्लियर हो गया जी मेरा पॉइंट सबको कि किस तरह हम टाइटल बुलेट्स, आपने यही काम करना है, मोस्टली आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वाले ढूंढने हैं जिसमें हाई सर्च वॉल्यूम शॉर्ट टेल कीवर्ड कवर हो रहे हो। ठीक है जी, सर्च वॉल्यूम तो बहुत मैटर करता है हमारे लिए, जब भी हमने कीवर्ड ढूंढने हैं हमने सर्च वॉल्यूम अच्छे वाले ढूंढने हैं ना, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। इसका मतलब क्या होगा कि लोग उस कीवर्ड को यूज करके इस प्रोडक्ट का आ रहे हैं, तो सर्च वॉल्यूम अच्छे वाला ढूंढना है, जिन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और उनका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो कि उसमें शॉर्ट टेल कीवर्ड भी कवर हो रहे हो, और शॉर्ट टेल कीवर्ड वो हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। क्लियर है जी, तो ये एक अच्छी टेक्निक हो जाएगी ऑप्टिमाइज करने की, बरक्स इसके कि आप सिर्फ छोटे शॉर्ट टेल कीवर्ड डाली जाए, शॉर्ट टेल कीवर्ड डाली जाए और लॉन्ग टेल को टारगेट ना कर सके। हम जी लॉन्ग टेल को करेंगे, वो क्या हो गया, अगर किसी के 10 कीवर्ड टारगेट हो रहे थे, हमने 15 कीवर्ड टारगेट कर लिए लॉन्ग टेल यूज करके, क्योंकि एक में दो हो रहे, एक में तीन भी हो सकते हैं। सही है, मैं आपको अपने प्रोडक्ट की मिसाल देता हूँ। मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड है बैम्बू स्टीमर बास्केट 10 इंच, बैम्बू स्टीमर बास्केट 10 इंच, ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। अब इसमें कितने कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं, बैम्बू स्टीमर टारगेट हो रहा है, बैम्बू स्टीमर बास्केट टारगेट हो रहा है, बैम्बू स्टीमर 10 इंच टारगेट हो रहा है, बैम्बू स्टीमर बास्केट 10 इंच एज ए होल भी एक कीवर्ड है। सर चार कीवर्ड एक छोटे से कीवर्ड में टारगेट हो रहे। क्लियर है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। ये हमारी कीवर्ड की साइंस है। सही है, अब बात कर लेते हैं हम इमेजेस के ऊपर। कीवर्ड की आपको समझ आ गई कि हम कीवर्ड इस तरह ढूंढेंगे। अब इन कीवर्ड्स के ऊपर, इन कीवर्ड्स के ऊपर हम डिफरेंट फिल्टर्स भी अप्लाई करेंगे। कीवर्ड रिसर्च के 2 से 3 मेथड है। सही है, एक तो सिंपल चलो छोड़े, दोबारा सेन में आएगा तो कर लेंगे। अच्छा खैर, तो कीवर्ड का हमने, इमेजेस पे आता हूँ मैं जी, कीवर्ड का हमने देख लिया कि, अच्छा कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहा था मैं, कि कीवर्ड रिसर्च हम टूल से करते हैं जिसके लिए सबसे बेस्ट और जो हमने यूज करना है वो हिलियम ही। ना हमने जंगल स्काउट यूज करना है, ना वायरल लॉन्च यूज करना है, किसी और टूल पे नहीं जाना जी। कीवर्ड रिसर्च के लिए हिलियम इज द बेस्ट, अगर टूल्स की बात करनी। सही है, उसके बाद एक और टेक्निक है कीवर्ड रिसर्च की, जो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगे सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर हम इधर प्रैक्टिकली करें तो। उसके लिए मेरा प्लान ये है कि हम एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे ताकि सारे इजीली अपने अपने घर में बैठे, अपनी पर्सनल स्पेस पे बैठे 2 से 2.5 घंटे इजीली कर लें, साथ गपशप चाय शाय भी रख लेंगे तो कोई इश्यू नहीं। सही है जी, तो वो सेशन हम उसको जो है स्केड्यूल करेंगे। किस दिन हम जी हीलियम के थ्रू करेंगे कीवर्ड रिसर्च, और जो दूसरी टेक्निक है उसे हम कहते हैं ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च। सही है, उसमें हमने हर कैटेगरी में से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने और प्लेस करी जाने, फिर हम एक्सेल उधर उस पर सारी जो गेम है वो हमारी एक्सेल के साथ खेलने की है, एक्सेल के फार्मूलाज के साथ हम खेलेंगे। तो बेहतर ये है कि उससे पहले आप थोड़े से एक्सेल के फार्मूलाज, एक्सेल यूज करने के ऊपर जो है ना ग्रिप कर लें, क्योंकि उस टाइम मैं कर जाऊंगा तो किसी को समझ नहीं आएगी क्या करूँ। हाँ जी सर, वही उसी तरह का डाटा दोबारा हम खुद बनाएंगे, 0 से मिलियंस तक, 0 से मिलियंस तक का डाटा बनाएंगे उस ऑनलाइन सेशन में, और फिर हम उसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अच्छा अब बात करते हैं इमेजेस की। अमेज़न आपको अलाउ करता है कि 7 इमेजेस आपने पर लिस्टिंग जो है अपलोड कर सकते हैं,
सही है, 7 इमेजेस। अब हम थोड़ा सा इमेजेस की बात कर लेते हैं कि वो इमेजेस किस टाइप की होनी चाहिए। सबसे पहली इमेज जिसको मेन इमेज कहा जाता है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ये अमेज़न की गाइडलाइन है, मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और उस मेन इमेज के ऊपर, उस मेन इमेज में जो शो हो रहा है वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो एक कस्टमर को बाय करने के बाद रिसीव हो। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा कस्टमर, क्योंकि मेन इमेज का आइडिया ही ये है अमेज़न के लिए, कस्टमर मेन इमेज देखता है तो वो कहता है कि ओके ये जो मेन इमेज है मुझे ये चीज मिल रही है। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने शो करवाया है और वो कस्टमर तक नहीं जा रहा तो सर बहुत चांसेस हैं उधर के वो आके इधर रिव्यू प्लेस करे जी कि मुझे ये चीज भी मिलनी थी पर एक्सेसरीज कम आई। सही है, तो मेन इमेज हमेशा आपकी हाईली अट्रैक्टिव फुल हाई क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें आपकी प्रोडक्ट का छोटा सा कोना कोना भी क्लियर नजर आना चाहिए। कस्टमर उसको पिक्चर को जूम करे ना करे, क्लिक करके उसके थंबनेल को एनलार्ज करे ना करे, वो इतने से साइज में ही उसको ऐसी क्लियर कट नजर आनी चाहिए और ऐसी अट्रैक्ट कर रही हो। आज मैंने कहा हमने सिर्फ बातचीत करनी है लिस्टिंग के ऊपर। सही है, लिस्टिंग। अच्छा मैं इमेजेस की बात करता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि मेन इमेज किस किस चीज का जो है ना रोल प्ले कर रही। अच्छा जी, सेकेंड फर्स्ट इमेज होगी मेन इमेज, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट टू या नेक्स्ट टू नहीं, सीक्वेंस आप जो भी रख लें, मेन इमेज के बाद मेन इमेज फर्स्ट नंबर पे आएगी, उसके बाद जो मर्जी सीक्वेंस रख लें। मैं अब वैसे कहता हूँ कि 7 इमेजेस हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि हमने 7 इमेजेस में कस्टमर को क्या क्या दिखाना है। नहीं नहीं, 7 मैक्सिमम है, लेकिन अगर आप एक वीडियो साथ अपलोड करेंगे जो बहुत कंपल्सरी है, कंपल्सरी अमेज़न की साइड से नहीं है, मार्केट की साइड से, क्योंकि वीडियो के ऊपर कस्टमर का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, वीडियो के ऊपर आपको सेल्स बहुत अच्छी आती है, तो अब हर कोई वीडियो लगा रहा है खुद से शूट करवा के, तो जब वीडियो लगा लेते तो फिर इमेजेस शेयर रह जाती है, 7वीं इमेज की जगह ऑटोमेटिकली वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। सही है, अच्छा जी, 7 इमेजेस की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट मेन इमेज, सेकेंड 2 तस्वीरें आपकी इन्फोग्राफिक्स होनी चाहिए। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, कैसी ग्राफिक्स, ग्राफिकल इमेजेस जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो। खोलते हैं जी कोई इधर। हाँ जी, मैं जी खोलने लगा हूँ, इधर खोलने लगा, बस हमें मिल जाए। इंफोग्राफिक्स आपने अक्सर इमेजेस देखी होंगी, प्रोडक्ट की इमेज आ रही होती है साथ में कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होता है, वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ही होती है ना। इन्फो का मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन, क्या आपने ऐसी इमेजेस यूज करनी जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वो होगी कि जो आपको पता है कि मेरा कस्टमर इस नॉलेज को ढूंढ रहा है और ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत जरूरी है बाय करने से पहले, ये इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो मेरी प्रोडक्ट बाय कर लेगा, वो वाली इन्फॉर्मेशन दे। उसमें आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन आ सकती, क्वालिटी आ सकती है। अब देखे ना, एक बंदा फिजिकली खरीद रहा है तो मुझे पता है कि इसका साइज क्या है, इसकी डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट क्या है। जब मैं ऑनलाइन खरीदूंगा इमेज में कुछ और है, फिजिकली पता नहीं क्या आती, तो मुझे कस्टमर को अपने बताना होगा कि इसकी डायमेंशन क्या है ताकि उसे पता हो कि जब वो रिसीव करेगा तो इसका साइज क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप एक इमेज में इसकी डायमेंशन बता सकते हैं, मसलन ये शो हो रहा है, इधर एक लाइन ड्रॉ होगी और इधर लिख दिया जी कि लेंथ इतनी है, ये विड्थ इतनी है, ये हाइट इतनी है, समझ रहे, ये चीज शो करवा दीजिए कि इसका आपस में जो डायमीटर है वो इतने सेंटीमीटर का या इतने इंचेस का। अभी हम देखते हैं ये बेस्ट सेलर है, अगर इस बेस्ट सेलर ने इधर इमेज जो है ना लगाई हो, वैसे ये बड़ा ब्रांड है, बड़े ब्रांड अक्सर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते क्योंकि वो ब्रांड है, लोगों ने उनका नाम लिख के आगे सर्च कर लेना है। ये छोटे ब्रांड्स को स्ट्रगल के लिए यूज करना पड़ता है कि अच्छा हम इमेजेस भी ऐसी बनाएं। चले इमेजेस हम बाद में दिखाता भी हूँ वरना बैम्बू स्टीमर की दिखा दूंगा। इन्फोग्राफिक्स के बाद 2 लाइफस्टाइल इमेज होनी चाहिए, नोट कर लें, और कुछ नहीं यार कर सकते तो सारे लोग आज जाके घरों में फाइबर की गिग बनाओ कि अमेज़न की मेन इमेजेस 7 हमसे डिजाइन करवाओ, उसको चैट में ये चीजें बताओ, वो हंस के तुम लोगों को ऑर्डर देगा। खुद नहीं भी करना किसी ग्राफिक डिजाइनर से को जी काम मैं ला रहा हूँ, 50% तुम रखना, 50 मैं रखता हूँ, मुझे इस तरह की इमेजेस बना दो, ये तो एटलीस्ट शुरू करो, टूल्स तो नहीं लेने।
लाइफस्टाइल, दो लाइफस्टाइल इमेजेस, एक मेन इमेज, दो इंफोग्राफिक्स, दो लाइफस्टाइल, टोटल कितनी होगी जी? पांच सर। हाँ जी, अब लाइफस्टाइल इमेजेस क्या हैं? हाँ जी, यूज करते हुए कोई करेक्टर यूज करता हो उस प्रोडक्ट का, वो इमेज दिखाओ। ह्यूमन साइकी से खेलना है सर, इधर कस्टमर को लगेगा कि यार अच्छा इसको यूज करते हुए मैं भी ऐसा लगूंगा, उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन में जो है ना उसके ख्याल आने लग जाते हैं, तो ये चीज भी बड़ा इफेक्ट करती है। ऑब्वियसली ये रिसर्चेज हैं जो प्रैक्टिकली प्रूव हुई है, तो इन पे काम हो रहा है। मसलन ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इसका काम क्या है? व्हाइट बोर्ड क्लीन करना। तो व्हाइट बोर्ड क्लीन करते हुए कि एक लाइफस्टाइल इमेज बनी हो, सही है जी, इसको कहते हैं लाइफस्टाइल। दो लाइफस्टाइल इमेजेस होगी जी, टोटल पांच होगी, छह इमेज होगी आपकी डिफरेंशिएट करने वाली, अदर्स से डिफरेंशिएट करने वाली, ठीक है। वो आपने जब दूसरों को स्टडी करना है, आपको पता होगा कि उसकी प्रोडक्ट में क्या खामी है और आप में वो नहीं है, लेकिन कभी भी उस सेलर का नाम नहीं मेंशन करना, कभी भी उस सेलर का नाम नहीं मेंशन करना कि आप कह दें कि एबीसी मेरा कंपेटिटर है, एबीसी की प्रोडक्ट में ये खामी है, मेरी में नहीं। अदर्स, सिंपल वर्ड अदर्स का यूज करें या कंपेटिटर्स का करें, कि जी कंपेटिटर्स में ये खामी है, मेरे में नहीं। आवर्स, अदर्स, ये इस तरह के वर्ड यूज करने, ठीक है जी। हाँ जी सर, आपका प्रोसेसर स्लो है आज। नहीं सर, अभी वीडियो नहीं, अभी डिफरेंशिएशन हुआ है, अभी कंपैरिजन इमेज रहती है। अब सर कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन दोनों मिलता जुलता काम है, बंदा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कंपेयर करना है और डिफरेंशिएट भी करना है, एक ही बात है, लेकिन ये एक बात नहीं है। आपने कंपेयर भी करना है, या अगर आपके पास ये सातवीं इमेज की जगह बच गई है, हो सकता है डिफरेंशिएशन के आपके पॉइंट्स मिस हो रहे हों, उस इमेज में पूरे नहीं आ रहे, तो उसका एक एक्स्ट्रा इमेज बन जाएगी, सही है जी। ये सात मेन इमेजेस हैं जो कि अच्छी मानी जाती हैं इन इन कैटेगरीज में, सही है जी। अभी ये देखते हैं, हाँ जी ये देखें जी, इजी टू प्रेस एंड मैक्सिमल अमाउंट, लिटिल स्पाइक्स। हाँ जी, अब देखें ये इंफोग्राफिक्स इमेज है, मैं इधर खड़े खड़े अपने आइडिया से जो कि मुझे अच्छा लगता है, हर एक का आइडिया अपना अच्छा हो सकता है, मैं इसमें थोड़ी सी बेहतरी बता सकता हूँ। वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये इंफोग्राफिक्स इमेज है, वो कह रहा है जी लिटिल स्पाइक्स दैट मैच द होल्स इन द चैम्बर आइडियल फॉर मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। वो इन स्पाइक्स की बात कर रहा है जो कि होल्स के साथ मैच कर जाती है, स्पाइक्स की बात कर रहा है ना। कितना ही अच्छा हो कि हम बंदे को टेक्स्ट भी दें, लेकिन ग्राफिकली कुछ ऐसा करें कि उसको टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो इमेज देख के समझ जाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। उसके लिए छोटा सा ये काम करता, इस प्रोडक्ट के इस एरिया को सर्कल करता, वहां से एक लाइन खींच के आगे उसको जूम करके दिखा देता, क्या ख्याल है? इनर पार्ट जूम करके आवाम देख के कस्टमर आता है, वो देखता कि इसने इसको सर्कल, अच्छा ये सर्कल वाली चीज को इधर बढ़ा करके दिखा रहा है, फिर वो टेक्स्ट पढ़ता तो ये ज्यादा क्रिएटिव हो जाना था, समझ रहे? इस तरह ये इंफोग्राफिक्स होती है। मोस्टली इंफोग्राफिक्स में हम यही करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट का जो हिस्सा बताना है उसको जूम करके लाइन लगा के उसको उसी इमेज में थोड़ा सा आगे जूम करके बताते हैं कि इसमें ये चीज है, क्लियर है जी। अब अगली उसकी इमेज देख लेते हैं, ये भी इंफोग्राफिक्स है। अब इसमें इसने थोड़ा सा काम किया है, देखे इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था तो उसने इसको हाईलाइट किया, लेकिन हाईलाइट करता तब कि ये इमेज पूरी भी पड़ी होती, उसको उस एरिया पे पॉइंट आउट करके इधर लाके दिखाता कि मैं इस एरिया को जो बड़ी इमेज में शो नहीं हो रहा उस एरिया को इधर जूम करके दिखा रहा, तो वो ज्यादा बेहतर था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सबका डिफर कर सकता है आइडिया, ये क्रिएटिविटी है, इसको मजीद इंप्रूव करना, मजीद इंप्रूव करना, हर एक की अपनी क्रिएटिविटी है, हो सकता है सारी बढ़ से बढ़कर हो, ठीक है। तो इसमें नहीं, बस मैं अपनी जो मैं चीजें देखता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, मुझे इसकी कलर स्कीम भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे इसकी कलर स्कीम भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा, कस्टमर पसंद भी कर सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा। मैं पता इस सिचुएशन में क्या देखता हूँ, मैं प्रोडक्ट देखता हूँ कि किस टाइप की, नेचुरल प्रोडक्ट है तो नेचर को रिप्रेजेंट कौन सा कलर करता है, ग्रीन, तो मैं उस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने का सोचता हूँ। ह्यूमन साइकी से थोड़ा सा खेलने की ट्राई करते हैं, ये देखिए जी डायमेंशन बता रहा है कि नहीं बता रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, डायमेंशन तो हर एक में आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह ही ये है कि कस्टमर को पता हो कि उसके पास कौन सा फिजिकल साइज जो है वो आएगा,
दिखने की चीज और है, जब फिजिकली हैंड है हाथ में आएगी तो वो कुछ और है। ये भी अब देखिए जी, कोई लाइफ स्टाइल इमेज आया इधर, सारी इंफोग्राफिक्स दी हुई है इसने, सही है। हंस के इसकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, उससे बात भी की जा सकती है, सही है ना। यानी कि अगर ये किसी तरह आपसे मिल जाए तो बंदा इसको समझा सकता है। तो इसलिए ये पल्ले बांध लें, फाइबर पे काम करें, अपवर्क पे करें। कोई भी बंदा आके कहे कि मैंने इमेजेस ऑप्टिमाइज करवानी, आंखें बंद करके नहीं कहना हाँ 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 जो $100 दे देना, नहीं। उसे कहना है कि भाई मुझे पहले अपनी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग का लिंक दो, मैं तुम्हारी इमेजेस का पहले ऑडिट करूंगा, फिर मैं तुम्हें इम्प्रूवमेंट बताऊंगा। हो सकता है कि उसकी इमेजेस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही ना हो, उसको किसी और वजह से सेज ना आ रही हो, वो सोच रहा हो कि यार मैं इमेजेस ही बदल के देख ली, ठीक है ना। तो पैसों का लालच नहीं सर करना, ये एक एथिक्स आ जाती है फ्रीलांसिंग की, कि सर पैसों का लालच नहीं करना। यकीन करें जिंदगी कामयाब हो जाए। कोशिश ये करनी है कि कस्टमर मेरे पास जो आया है वो खुश होके जाए, पैसे नहीं भी वो देता मुझे ना दो, सर वो 3600 बंदों को आपके पास रेफर करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकली पिछले 3 महीने में आजमाया। एक बंदा आया मुझे कहता जी इमेजेस 7 भी बना दो और लिस्टिंग ईबीसी की इमेजेस भी बना दो 15। मैंने 15 और 7 कितनी इमेजेस दी जी? 22। मैंने 22 इमेजेस का उससे कहा मुझे $150 देना, 3 दिन में बना दूंगा। उसने कहा जी मेरा बजट ही $80 है। मैंने कहा 80 कर दो, खैर मेरा क्या जाना है। मैंने कहा 80 कर दो, उसने 80 में मुझसे करवा लिया। सर उसने आगे 3 लिस्टिंग $150-$150 में करवाई, 4 उसने बंदे मेरे पास भेजे जिन्होंने उसे $500-$500 का काम करवाया, सही है ना। तो ये चीजें इस तरह काम आती है। बीच में गोरे भी पाकिस्तानियों की तरह मिल जाते हैं जो दिमागी हिले होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग कामयाब पता क्यों है? क्योंकि वो सही सुन्नत रसूल पे चलते हैं, सिर्फ ईमान नहीं लाते। वो लोग सही सुन्नत रसूल पे चलते हैं, बस ईमान नहीं लाते, और उनकी कामयाबी की वजह यही है। हम लोग ईमान का दावा करते हैं लेकिन हम सुन्नत पे नहीं चलते, हम वैसे भी फर्ज पे नहीं चलते, सुन्नत तो एक बड़ी दूर की बात रह जाती। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, गोरों की पॉलिसी है जिस मर्जी कंट्री में आप चले जाओ, आपने उनसे शर्ट बाय की, शूज बाय किए, कुछ भी बाय किया, 6 महीने पहन लो, वापस ले जाओ, सीधा जाके कहो जी मेरा दिल भर गया ये लो वापस, सर 100% रिफंड करके चीज वापस रखते हैं वो। और इधर खरीदने जाओ तो कहते हैं खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, सही है ना। ये मैंने बात सुनी जुनेद जमशेद साहब से, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो अपना J.Dot का वाकया सुना रहे थे, अगर कभी किसी ने सुना हो सर वो सुनिएगा, बड़ा मोटिवेट होता है बंदा उससे कि अल्लाह मैंने सुने। जब आप एक नियत पे और इस्लाम के रास्ते पे चल जाए ना तो जिंदगी के मामला तो ऐसे निकलते हैं। आप उनका वाकया था कि जब मेरा J.Dot ब्रांड बन गया ना तो मैं किसी मिल ओनर के पास गया, कि पता नहीं दुकान वाले के पास गया, तो उसने उधर इसी तरह प्लेट पे लिख के लगाया हुआ है जी कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। और वो बंदा मुझसे कहते पूछ रहा है कि यार मुझे कामयाबी का कोई कुलिया बताएं, कोई राज बताएं, तो कहते मैंने सिर्फ उसको यही कहा। और ये चीज भी मैंने उन्हीं से सीखी, यानी कि उन्हीं से सुनी कि गोरे इस तरह करते हैं। उन्होंने फिर उस बंदे को बताया कि भाई ये प्लेट उतार दो। हमारे नबी पाक का भी फरमान है, कोई हदीस कोट की है उन्होंने, मुझे उसका रेफरेंस नहीं याद, कि हमारे नबी पाक का फरमान है कि अगर कोई यूज करके चीज इस तरह वापस है, अल्लाह कमी बेची माफ करे, मफहूम है, तो आप वापस रख लो, दुकानदारों को कहा है, ठीक है। हम लोग नहीं रखते, वो लोग रख रहे हैं और वो कामयाब है। तो उसने कहा ये काइंडली आप उतार दें, आपका बिजनेस में बरकत होगी, और वो कहते वाकई उसके बिजनेस में बरकत हुई, सही है ना। तो ये काम हम फिजिकली कर नहीं सकते, आप ऑनलाइन कर सकते। मैंने एक काम किया अपनी 100% दी, वो बंदे ने कहा जी मुझे आपका काम नहीं पसंद आया। मैंने कहा क्यों? उसने कुछ रीजंस दी, मुझे वो सही नहीं लगी रीजंस, लेकिन मैंने उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया। मैंने कहा मुझे बताएं आपने जो मुझे पेमेंट किया वो कहाँ भेजी, मैं वापस भेजता हूँ, 100% वापस भेजता हूँ, मेरा कोई मसला नहीं। शायद ये बात सुन के उसने कहा कि कोई नहीं, तुमने अपनी एफर्ट की है, अपनी हार्डवर्क की है, वो तुम्हारे बनते हैं, रखो। उसने ना मुझे नेगेटिव रिव्यू दिया फाइबर पे, ना उसने कुछ किया। ये भी चलता है ना। अब एक पाकिस्तानी के मैं पल्ले पड़ चुका हूँ, वो मुझे वो जलील कर रहा है, वो जलील, कसूर भी सारा अपना है, मुझसे पूछे बगैर सप्लायर को पैसे दे दिए, ठीक है। शिपमेंट प्लान बना रहा था मैं तो वो ड्रेस चेंज हो गया, अब सप्लायर उसे कह रहा है ज्यादा, तो वो मुझे अब कह रही है, मुल्तान की है जी, मुझे कह रही है कि जी हाँ जी आपने क्यों एड्रेस बदला। मैंने कहा मैंने कब बदला, ये तो अमेज़न के हाथ में, तुमने सप्लायर को पैसे देने से पहले मुझसे क्यों नहीं डिस्कस किया। अब उसके साथ मेरी जंग चल रही है सोर्सिंग एड्रेस के, कहाँ से आनी है इन्वेंट्री, सप्लायर का एड्रेस। उसने पहले एक सप्लायर का एड्रेस दिया ना, मैंने वो एड्रेस एंटर करके शिपिंग प्लान बना दिया, उसकी उस सप्लायर के साथ डील कैंसिल होगी।
उसने मुझे नया सप्लायर का एड्रेस दिया, क्योंकि पुराने वाला शिपमेंट कंप्लीट हो चुका था, उसमें एडिट नहीं था होना, मुझे वो कैंसिल करके नया शिपमेंट प्लान बनाना पड़ा। नया शिपमेंट प्लान बनाया तो अमेजोन ने डिलीवरी एड्रेस बदल दिया कि अब आप इस वेयर हाउस में नहीं, इस वेयर हाउस में पहुंचाए। तो अब वो जब नए, उसने जो नया सप्लायर ढूंढा था उसको $500 एडवांस दे दिए और पुराना एड्रेस दे दिया। अब वो नया एड्रेस है तो वो चल रही है। खैर जी, हम बात कर रहे थे तो इस चीज से नहीं भागना आप लोगों ने, सही है। अच्छा, बात पता नहीं कहां से किधर को चल पड़ी। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपको आज डिटेल पेज का बता देता हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जैसे ही आप अमेज़न पे प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना, पहली चार जो होंगी उनके नीचे ये स्पॉन्सर्ड लिखा होगा कि मेरी प्रोडक्ट भी स्पॉन्सर्ड में आ रही है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि ये पीपीसी कैंपेन्स चल रही है। पीपीसी जो हम आगे जाके कैंपेन्स पढ़ेंगे, पे पर क्लिक, तो इसका मतलब है कि मैंने अमेज़न को पे किया है कि मुझे ये वाला स्पॉट दो। लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं जान सकते कि कौन सा स्पॉट हमें मिलेगा। अगर तो हम बिड हमारी सबसे हाई है बाकी पीपीसी चलाने वालों से, तो हमें अच्छा स्पॉट मिल जाएगा, वरना वो बैकएंड पे चल रहा है, हमें नहीं पता चल सकता, हमसे रिटर्न ड्राइव, वो बात की जाए पीपीसी की गेम। खैर जी, मैं इधर तो ये चार स्पॉन्सर्ड है, हमेशा पहली चार जो होंगी वो स्पॉन्सर्ड होंगी और उनके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा भी होगा। तो अगर कोई आपको कहे ना कि ऑर्गेनिक रैंकिंग बताओ मेरी लिस्टिंग की किधर है, तो आपने स्पॉन्सर्ड वाले उस पेज पे जितने भी आ रहे होंगे उनको काउंट नहीं करना, वो स्पॉन्सर्ड रैंकिंग होगी। ठीक है जी, मैं अब आपको अपनी लिस्टिंग पे दिखाता हूँ। इन्फोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल और ये आ गया जी। ओए, ये क्या हुआ है? सेल प्राइस खत्म हो गई? सेल प्राइस लगाई थी वो एंड हो गई ना, एक मंथ हो गया होगा। सर देखें जी, पहली मेन इमेज ही मेरी, अब मेन इमेज में मैं वो सिर्फ वही चीजें दिखा रहा हूँ जो मैं दे रहा हूँ, एक्सेप्ट उसके अंदर जो खाना पड़ा वो सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए है लोगों की, ठीक है। उसके पीछे रेसिपी बुकलेट है, लेकिन वो भी हम ऑनलाइन दे रहे हैं, तो ये मैंने अपने टाइटल में मेंशन किया, रेसिपी ई बुकलेट। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बुकलेट, सही है ना। तो मेन इमेज में सिर्फ वही दिखाना है। उसके बाद ये सेकेंडरी इमेज है, आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ मैं डायमेंशन बता रहा हूँ कि टोटल हाइट इतनी है और सिंगल सिंगल की हाइट क्या है, ठीक है जी। ये एक इन्फोग्राफिक्स है मेरी। अगली फिर एक इन्फोग्राफिक्स है जिसमें मैं बाकी चीजों की डायमेंशन बता रहा हूँ कि अच्छा एक ही बुकलेट है, 30 पेपर लाइनर है, 9 डायमीटर के, 2 कॉटन लाइनर है उसके, और चॉपस्टिक्स के 2 पेयर है 8.8 इंच के, और साथ में मैं कह रहा हूँ कि पैकेजिंग कार्ड के ऊपर जो QR कोड है उसको आप स्कैन करेंगे तो आप ई बुकलेट पे चले जाएंगे। क्यों? मुझे एक रिव्यू आया, 5 स्टार रिव्यू था इसी के ऊपर, लेकिन उसने साथ नीचे छोटा सा मेंशन किया था कि मुझे रेसिपी बुकलेट नहीं मिल रही, तो मुझे आइडिया हुआ अच्छा ये भी कस्टमर को ढूंढने में मुश्किल हो रही, तो मैंने इमेजेस में उसका भी बता दूंगा। ग्राफिक्स होगी जी मेरी 3 होगी, एक मेन इमेज होगी, ये देखें लाइफस्टाइल इमेज है, सही है जी। वो किचन में बैम्बू स्टीमर यूज हो रहा है और खाना पड़ा है जी, ये लाइफस्टाइल इमेज होगी। एक ये भी लाइफस्टाइल इमेज है, इसमें डिफरेंट पोजीशन है क्योंकि करेक्टर वाली एक होगी, एक हमने डिफरेंट, 2 लाइफस्टाइल उठा ली। अब इसमें मैंने कंपैरिजन भी लगाई हुई थी और डिफरेंशिएशन वाली भी लगाई हुई थी, लेकिन कुछ चीजें टेस्ट करने के लिए मैंने वो वक्ती तौर पे रिमूव की, सही है। वो टेस्टिंग आपकी चलती रहती, वरना वो मेरी लगी हुई थी। लेट्स सपोज ये मेरी इंफोग्राफिक्स इमेज है, मैंने पहली क्या लिखी है कि ब्रेथेबल एंड डोम शेप लिड, मेरी लिड डोम शेप थी, डोम कहते हैं गुंबद टाइप ना, जिस तरह वो इस तरह की शेप थी मेरी लिड की, तो दूसरों की शेप इस तरह की अगर नहीं है तो आप कंपेयर कर लिया आपने, आप अपने वाले को इसी तरह जैसे वो देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं लाइन लगाता हूँ उसे जूम करके दिखाता हूँ, तो आप जूम करके बताएं कि आवर ये चीज है, साथ में वो 3-4 लाइनों का टेक्स्ट है, और अदर्स का बताएं कि उनकी डोम शेप नहीं है, उनकी स्ट्रेट है या उनकी जैसे, ये कंपैरिजन है ना, ये आपका ग्राफिक डिजाइनर आपको बेहतर बताएगा। उसे आपने सिर्फ बताना कि मुझे इस तरह की तस्वीरें चाहिए, क्रिएटिविटी भाई तुम्हारी है, अगर मैं क्रिएटिव होता तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल ना सीख लूं, फिर तो टूल ही चलाना रह गया ना कि कहां कहां क्लिक करना है, तो ये आपके ग्राफिक डिजाइनर का टूल, सही है जी।
ये मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, वीडियो सॉरी, ये मैंने स्टॉप मोशन में बनाई थी, बनवाई दोबारा रिसेंटली। बैम्बू सिंबल आया, स्टैकेबल है, लिड टाइप आ गई, पेपर लाइनर है, उनको हाईलाइट करके आया, ये स्टॉप मोशन में बता रहा हूँ। मैं इसमें बता रहा हूँ कि अब इसको यूज कैसे करें। सही नहीं, ये जी वीडियोग्राफर है क्रिएटर। आवाम को बड़ा मसला था कि इसको वॉश कैसे करते, तो मैंने वीडियो में हल्का सा एक दो सेकंड का बता दिया कि वॉश करना भी सिंपल है। ओह सिंपल नहीं है कह रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, बस वाइंड अप कर रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह वीडियो, वीडियो की गाइडलाइंस भी हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे क्या गाइडलाइंस हैं वीडियो की। सही है जी, तो ये आपकी इमेजेस होनी चाहिए। अब बात कर लें अगर ईबीसी की, तो जो सी इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है, ऑब्वियसली हो सकता है आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कस्टमर को बताने के लिए, लेकिन अब इमेजेस भी पूरी होगी, बुलेट्स भी पूरे हो गए, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ बताएं सर? वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में या एबीसी में बताएं, जो सी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड ग्राफिक ऐसे इमेज बनवाए एबीसी में अपलोड करें। उसका क्या फायदा होगा कि टेक्सचुअल फॉर्म के साथ साथ विजुअली भी पढ़ने वाला अंडरस्टैंड कर सकेगा, अच्छा है मुझे ये बताना चाह रहा है। सर विजुअली अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए ज्यादा आसान है, इसलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं इमेजेस के ऊपर। सही है जी, जब हम लिस्टिंग बनाते हैं ना, तो लिस्टिंग की उधर डेट मांगते हैं, रिलीज डेट क्या है, ये वो वाली डेट है, इसका इतना कोई मैटर नहीं करता ये। यार मेरे 5 बजे मेरी मीटिंग है, मैंने निकलना है। लेट हो गया कुछ तो यार, मुझे वो टिक नहीं देते, फौरन मैसेज आने लगे थे कि तुम काम नहीं कर रहे। इसकी डेट फर्स्ट अवेलेबल से, डेट फर्स्ट अवेलेबल से आइडिया कर, हर एक की मिलेगी आपको। अच्छा पहली बात तो ये जो आपको ऊपर शो हो रही है, ये कौन शो कर रहा है? नहीं सर, वो जीएस की बात नजर आ रही है, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन शो कर रही है। सही है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़न कहाँ पे बताता है, टेंशन नहीं आपने लेनी। ये देखें जी, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे डेट फर्स्ट अवेलेबल बता रहा है, आपको कैसे नहीं मिल रही? ये देखें September 7, 2021, टूल्स की गलत हो सकती है, इसकी गलत नहीं होगी क्योंकि ये अमेज़न बता रहा है। सही है जी। अच्छा हम बात कर रहे थे ईबीसी के ऊपर, इसने ईबीसी लगाई नहीं है, चलो खैर है। ये देखें, ये मैंने ब्रांड स्टोरी लगाई है, ये मेरी अब ईबीसी है अगर ये लोड हो गई तो। ये देखें, फिर मैंने लाइफस्टाइल इमेज उठाई, ज्यादातर हम लाइफस्टाइल के साथ ही जो है ना खेलते हैं, लाइफस्टाइल इमेज उठाई, फिर मैंने देखा कि अच्छा मुझे लोगों को चॉपस्टिक्स का अलग से बताना है कि मैं जो चॉपस्टिक्स दे रहा हूँ उनकी क्या खासियत है, मैंने चॉपस्टिक्स की एक इमेज उठाई, उसके रिलेटेड कीवर्ड यूज करके कॉन्टेंट लिखवा लिया, पेपर लाइनर का बताया, कॉटन लाइनर का बताया, सर्विंग ट्रे के लिए तौर पर भी आपका ये स्टीमर यूज हो सकता है, आपको सेपरेटली फूड को किसी और डिश में या ट्रे में प्लेस करके सर्व करने की जरूरत नहीं, आप एज इट इज इसको उठा के भी सर्व कर सकते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, ये चीज बताई। उसके बाद मैंने बताया कि ये जी ऑर्गेनिक बैम्बू से बना है, 10 इंच का है, ये स्टडीनेस बताई कि ये मजबूत है, ठीक है, तो स्टडीनेस बताई, वाटर रेजिस्टेंट है तो मैंने वो बताया। अब वाटर रेजिस्टेंट के लिए मैं इधर इमेज फाइंड आउट कर रहा था पर मैं ढूंढ नहीं सका, मैं चाह रहा था कि पानी में धोते हुए की कोई पिक्चर आ जाए या कोई स्वेल हुआ मिल जाए किसी अदर कंपेटर का, तो मैं उसे बता सकूं लाइन लगा के कंपेयर करा के कि देखें वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं था तो वो पानी में जैसे वो लकड़ी फूल जाती है ना, तो हमारे वाली नहीं होगी, लेकिन वो मुझे फिलहाल इमेज नहीं मैं बना सका। अब नीचे मैंने उसका यूज बता दिया, उसमें भी एक लाइफ स्टाइल इमेज अटैच कर ली, नीचे मैंने फिर उसको हाउ टू क्लीन बता दिया, कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हाउ टू वॉश के बड़े कंसर्न्स थे लोगों के इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। सही है, तो इसलिए मेरा भी बार बार फोकस यूज क्लीन वॉश में था। ये मैंने थोड़ी सी अपनी रेसिपी बुकलेट से 4 रेसिपीज उठा के इधर अपलोड कर दी।
एक ग्राफिकली एक टेबल बना के उसमें अपलोड करवा दी कि शायद लोग रेसिपी पसंद करके प्रोडक्ट बाय करेंगे यार, इनकी रेसिपी बुकलेट तो मिले, क्योंकि वो तो उसको मिलेगी जो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, क्यूआर कोड उसको मिलेगा जो बाय करेगा। तो बस एक ट्रिक जो दिल किया टेस्ट एंटर है। तो जी ये हमारी लिस्टिंग का आता है अमल दखल, सही है जी? वैसे हम 21 पे ब्रेक इवन पे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। अमेज़न तक पहुंच के बेचने में, हाँ जी, 21.99 में सेल करने पे हमें कुछ भी नहीं बच रहा, जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो जेब से ला रहा है। सही है? अच्छा जी, तो दो तीन बातें हैं जो मैं करके ये वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। मेन इमेज का बड़ा रोल है, मेन इमेज का बड़ा रोल है। पांच चीजें जो आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए ये देखने के लिए कि कस्टमर आपके पेज के ऊपर, डिटेल पेज के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा, यानी कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो कौन सी चीजें हैं जो ट्रैफिक लाती हैं, आपने उन पे काम करना है। सर वो एक मेन इमेज है, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर को क्या शो हो रहा है, मेन इमेज। मेन इमेज के बाद टाइटल, टाइटल के बाद प्राइस, प्राइस के बाद रिव्यूज, और पांचवें नंबर पे रेटिंग्स। ये पांच चीजें हैं जिसने आपका CTR इंप्रूव करना है। CTR, हाँ जी, फिफ्थ रेटिंग्स, इमेज, मेन इमेज, टाइटल, रिव्यूज, रेटिंग और प्राइस। जो भी कीवर्ड लिख के आपको पांच चीजें सामने शो हो रही होती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नई चीज तो नहीं बता रहा। टाइटल, मेन इमेज, रिव्यू, रेटिंग और प्राइस, ठीक है जी? क्योंकि कस्टमर को सबसे पहले ये शो होना है। इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस ये है कि अगर हमारी लिस्टिंग पे ट्रैफिक नहीं ना आ रही, हम कैसे देखेंगे ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। अगर ट्रैफिक नहीं ना आ रही, तो इसका मतलब है इन पांचों चीजों में से कोई चीज ऐसी है, कोई एक या कोई दो या सारी की सारी, कि वाम को या कस्टमर को, वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रही कि लोग आगे हमें डिटेल में पढ़े। नॉर्मली आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, अगर ऑनलाइन कोई चीज बाय कर रहे हैं, इमेज ही देखते हैं ज्यादातर लोगों की। साइंस इमेज होती है, इमेज दिल को अच्छी लगी तो वो हाथ खुद ही क्लिक कर देता है। तो बस ये साइंस है। तो इसको कहते हैं CTR इंप्रूव करने के लिए पांच फैक्टर्स। CTR क्या है? क्लिक थ्रू रेट। CTR क्या है? क्लिक थ्रू रेट, कि आपका क्लिक थ्रू रेट CTR कितने परसेंट है। जितने परसेंट ज्यादा होगा उतना आपका फायदा होगा, कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा आ रही। अगर ट्रैफिक कम है तो बारी बारी इन सब चीजों पर टेस्ट शुरू करें। पहले मेन इमेज पे टेस्ट करें, टाइटल के साथ छेड़खानी करके देख लें, या पहले एनालिसिस करें कि वाकई टाइटल में कोई मसला है। अगर मसला है तो फिर छेड़खानी करनी, अदरवाइज नहीं। प्राइस देख लो कि यार मेरे इर्द गिर्द जो बैठे हैं या ऊपर नीचे बैठे हैं, ऊपर दो रोज नीचे दो रोज और साइड वाले, इनकी प्राइस में और मेरी प्राइस में कोई खासा फर्क है। अगर प्राइस में फर्क नहीं है सर, तो हो सकता है उनके पास रिव्यूज ज्यादा हो, आपके पास रिव्यूज कम है। इस तरह हम एनालिसिस करते हैं कि हमें अब किस चीज पे काम करना है, और फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे या अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। सही है जी? सर वो बहुत जरूरी है। मेरे एक सर हैं मुल्तान में, जिनसे मैंने सीखा अभी रिसेंटली, उनकी जो पहली वीडियो सुनी थी, उन्होंने कहा ना PPC ना चलाना कुफर है। अभी ना Amazon ने PPC वालों को वेटेज देनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है PPC से, और वरना दूसरे तरीके लोग इलीगल वे में जा रहे हैं। PPC की वजह से अब लीगल ही है, तो अगर कोई अब इलीगल वे में जाता भी, उसको इतना बूस्टअप नहीं मिलता जितना PPC वालों को मिलता है। तो सारी वाम या PPC पे, इसलिए PPC टफ से टफ और हाई डिमांड से हाई डिमांड में हो गई है। PPC के एक्सपर्ट इतने चाहिए पूरी दुनिया में लोगों को, क्योंकि जब मैं आपको PPC कराऊंगा, आप सबने कहना है तो कोई काम ही नहीं है सर। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वो करेंगे किसी क्लाइंट के लिए, और डेली बेसिस पे आप स्टैट्स देखेंगे, आप कहेंगे कैसे इसकी रोकूं, कैसे मार्केटिंग कॉस्ट कम करूं, कैसे मार्केटिंग कॉस्ट कम करूं। बस ये चीज है PPC। ठीक है जी, चले, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।